के निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए तपस्वी छावनी में स्वामी परमहंस के द्वारा आयोजित सनातन धर्म संसद में संतों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़कर संतों ने किया ऐलान। अति शीघ्र बनेगा भव्य श्री राम मंदिर। राम राज भूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास वेदांती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले की तारीख तय की है उससे लगता है राम मंदिर के पक्ष में आएगा फैसला। धर्म संसद तो इस देश में बहुत बार हो चुकी है। निशंदु परिषद के माध्यम से देश के कोने कोने में धर्म संसद के माध्यम से ही हम लोगों ने देश के हिंदुओं को जागृत करने का काम किया था। अब वो समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया है कि अब इसका निर्णय जल्दी हो जाना चाहिए। 18 अक्टूबर तक की डेट दी गई है, 18 अक्टूबर तक जो लोग हैं उनसे पूछताछ होगी और 18 अक्टूबर के बाद वो निर्णय लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रामलला के पक्ष में ही निर्णय आएगा, क्योंकि जजों को पता चल गया है कि जहाँ रामलला विराजमान उसके नीचे अष्टदल कमल पर भगवान शंकर जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, स्वामी के चिन्ह, ओम के चिन्ह, भगवान के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, अयोध्या की धरती में इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं। अयोध्या की धरती पर जो कुछ मिला केवल भगवान राम से संबंधित देवी देवताओं का दृश्य ही प्रस्तुत हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राम लला के पक्ष में निर्णय आएगा, क्योंकि जब राम लला का जन्म हुआ था तब सुन्नी बगबूर का जन्म नहीं हुआ था, जब राम लला का जन्म हुआ था तब निर्मोही अखाड़ा नहीं था, जब राम लला का जन्म हुआ था तब इस प्रकार का वातावरण नहीं था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जजों ने इसकी गवाही को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा और उसके अनुसार जो निर्णय आने वाला है रामलला के पक्ष में ही निर्णय आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराज जिस प्रकार से देखिए मैं बताऊं, अयोध्या तो धार्मिक नगरी है, अयोध्या में हमेशा धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, अयोध्या में धर्म के नाम पर ही जागरण होता है, धर्म के नाम पर ही, राम के नाम पर ही अयोध्या के संत लोग सारे देश में घूमते हैं और उन्हीं राम के नाम पर आज भी जो सनातन धर्म सम्मेलन हो रहा है जिस पर संतों ने पहले भी मोहर लगा दिया है कि जहां राम लला विराजमान वहीं राम की जन्मभूमि है, आज भी वही होने वाला है जो पहले हुआ। क्योंकि जो भी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए हैं वे सभी राम मंदिर के ही हैं, इसलिए अब मंदिर निर्माण दीपोत्सव के साथ शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण, मोदी और योगी ही बनाएंगे। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण बाधा दूर करने के लिए तपस्वी छावनी में सनातन धर्म संसद में संतों का आना शुरू। स्वामी परमहंस ने आज सनातन धर्म संसद में संतों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करके राम मंदिर के निर्माण का बाधा दूर किया जाएगा। राम के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, देश में अमन चैन शांति स्थापित हो, जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। स्वामी करपात्री महाराज का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस सनातन धर्म संसद के लिए बधाई दिया है। इस धरती ने राम मंदिर के लिए सहारा दिया है, अब राम का मंदिर बनकर रहेगा। चूंकि यह मामला अयोध्या का है और अयोध्या के जितने संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगतगुरु सब लोग इसमें जो है आ रहे हैं और ये सनातन धर्म संसद, चूंकि धर्म एक है, ये सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म संसद आज हो रही है, जो आज जो हो चुकी है, इसमें पूज्य श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी की अध्यक्षता में यह सनातन धर्म संसद संपन्न हुई। इसका उद्देश्य एक ही है कि अयोध्या भगवान श्री राम की है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है एक सौहार्दपूर्ण ढंग से और एक जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए आज सभी धर्माचार्य यहाँ बैठे हैं और सब धर्माचार्य मिल करके जो है हम लोगों ने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है, एक प्रकार से जिस तरह से त्रेता युग में जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा था राम काज लगता अवतारा सुनते भय पर्वता करा, उसी तरह से आज सारे धर्माचार्य मिल करके हनुमान जी का जब हनुमान चालीसा पाठ करेंगे एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और निश्चित रूप से भगवान की कृपा से राम मंदिर का निर्माण अब जो है इसकी जो भी बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे बहुत प्रतिष्ठित पीठ के स्वामी श्री पूज्य रामचंद्र जी जो है आ गए हैं और सब लोग आ रहे हैं, पूरे अयोध्या के साधु संत आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से आज की जो सनातन धर्म संसद है यह निर्णायक है, जैसा कि पूज्य श्री वेदांती जी कहे हैं कि उधर कोर्ट में जो कोर्ट का भी वो आ गया है उसने डिसाइड कर दिया डेट, इधर संतों की सनातन धर्म संसद पड़ा।